Alexa, open the main door. Door unlocked. Unlocked. लॉक बाय करने से पहले इन पॉइंट्स को ध्यान में रखें। फर्स्ट, डोर थिकनेस। मेक श्योर हमारे डोर की थिकनेस मिनिमम 35 mm जरूर हो LA24 के लिए। सेकंड, डोर विड्थ। मेक श्योर हमारे डोर पर कोई भी डिजाइन या पैटर्न या ग्लास 95 mm के बाद ही हो। थर्ड, मॉर्टिस हाइट। LA24 की मॉर्टिस की हाइट 240 mm होती है, सो प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड बिफोर यू बाय द लॉक। क्या आप स्मार्ट लॉक्स यूज करते हैं या आप अभी भी सोच रहे हैं कि स्मार्ट लॉक चाहिए या नहीं चाहिए? तो मैं आपको बताती हूँ कि स्मार्ट लॉक क्यों चाहिए। लावना की तरफ से LA24 स्मार्ट लॉक, जिसे आप वुडन डोर्स पर इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल फोन को फिंगरप्रिंट से अनलॉक करते हैं, वैसे ही आप LA24 को भी फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर सकते हैं। मैं अक्सर ऑफिस में बिजी रहती हूँ और तब अगर कोई गेस्ट मेरे घर पर आता है तो मैं उसके लिए डोर अनलॉक कर सकती हूँ, जस्ट बिकॉज इट्स वाईफाई एक्सेस अलाउज मी टू ऑपरेट द लॉक फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम। और अगर मेरे किसी फ्रेंड को मेरे एब्सेंस में वन टाइम एक्सेस चाहिए तो उसके लिए मैं OTP फीचर का यूज करती हूँ। इस स्मार्ट लॉक की सबसे मजेदार बात यह है कि आप इसे अपने मोबाइल से किसी भी दूसरी ऐप की तरह ऑपरेट कर सकते हैं और इस ऐप से ही डोर अनलॉक भी कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट डाउनलोड द लावना स्मार्ट लॉक ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर। इसका फायदा यह है कि आप फोकस से अपना काम कर सकते हैं, या फिर अगर आप आफ्टरनून में रेस्ट कर रहे हैं, स्कूल से बच्चे वापस आने वाले हैं, सो यू डोंट हैव टू रश अगेन एंड अगेन जस्ट टू ओपन द डोर। इस स्मार्ट लॉक में रिमोट अनलॉकिंग का भी फीचर है, जो कि बहुत कन्वीनियंट है, स्पेशली फॉर द एल्डरलीज इन द हाउस। दे कैन सिंपली यूज द रिमोट एंड अनलॉक द डोर विद जस्ट वन क्लिक। एंड वन थिंग दैट आई लव द मोस्ट अबाउट दिस लॉक इज Alexa, ओपन द मेन डोर। डोर अनलॉक्ड। अनलॉक्ड। इट वर्क्स विद Alexa। इस लॉक में टाइम बेस्ड एक्सेस का फीचर है, जिसे आप अपनी हाउस हेल्प या गार्डनर या कोई भी ऐसे लोग जो स्पेसिफिक टाइम पर आपके घर पर आते हैं, उनके साथ आप एक पासवर्ड जनरेट करके शेयर कर सकते हैं, सो दैट आपको बार बार डोर लॉक और अनलॉक करने का झंझट ना करना पड़े। इसके अलावा इसमें RFID कार्ड फीचर है, पिन फीचर है, यानी आप अपनी मर्जी का पिन जनरेट करके इसे यूज कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स मैनुअल की तो है ही। इनफैक्ट अगर आप किसी स्ट्रेंजर के सामने अपना पिन डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, तो एक स्पाई कोड का भी फीचर है, जिसका मतलब आप अपने एक्चुअल पिन से पहले और बाद में कोई भी रैंडम डिजिट्स एंटर कीजिए और आपका ये स्मार्ट लॉक वो पिन एक्सेप्ट कर लेगा। देन इसमें DND का भी फीचर है, यानी आपकी प्राइवेसी को इंश्योर करने के लिए या आपकी मर्जी के बिना बाहर से कोई अंदर ना आए उसके लिए आप इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई पार्टी है तो आप इसे पब्लिक मोड पर भी सेट कर सकते हैं फॉर इजी मूवमेंट ऑफ द गेस्ट। ये स्मार्ट लॉक बहुत कन्वीनियंट होते हैं, स्पेशली इन अ सिचुएशन जब घर के किसी एक मेंबर को मॉर्निंग वॉक के लिए या अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट कैच करने के लिए उठना हो, तो किसी दूसरे मेंबर को उनके साथ वेट करने की जरूरत नहीं है डोर को वापस लॉक करने के लिए। इसका ऑटो लॉकिंग फीचर ऑटोमेटिकली डोर को 5 सेकेंड में लॉक कर देता है। सिमिलरली अगर आप ऑफिस से देर से वापस आ रहे हैं या कोई लेट नाइट पार्टी अटेंड करके आ रहे हैं, तो आपको किसी और की नींद खराब करने की जरूरत नहीं है। इसका मल्टीपल एक्सेस फीचर के जरिए आप खुद डोर अनलॉक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपके लॉक को कब किसने अनलॉक किया, तो पास्ट अनलॉकिंग रिकॉर्ड से आप वो भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके लॉक की पावर ड्रेन हो जाती है, तो एक्सटर्नली पावर बैंक से कनेक्ट करके आप इसे अनलॉक भी कर सकते हैं।